वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ें और उसको समझें, मींस हाउ टू रीड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रिपोर्ट। अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की बात करें तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक तरीके की खून की जांच होती है, जिसमें हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड नामक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का पता चलता है। अगर हम इसकी बात करें ये होता क्या है, तो ये एक तरीके की चिकनाई, चर्बी, वसा या फैट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें छह कंपोनेंट होते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में। पहला होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सेकेंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, थर्ड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फोर्थ ट्राइग्लिसराइड्स, फिफ्थ कोलेस्ट्रॉल एंड जो छठा कंपोनेंट है वो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल रेशियो। अगर हम इसको वन बाय वन बात करें तो पहला होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में इसकी जो एवरेज वैल्यू जो नॉर्मल होनी चाहिए वो 129 mg पर डेसिलीटर से कम होना चाहिए, और अगर इसका लेवल 130 से 159 mg पर डेसिलीटर होता है तब भी इसको ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है। बट इसका जो लेवल अगर 160 mg पर डेसिलीटर से अधिक हो जाता है तो इसका लेवल जो होता है वो खतरनाक होता है, और इसका जो लेवल होता चाहिए हमारे शरीर में हमेशा जो होना कम होना चाहिए। अगर हम HDL कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो HDL कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसका जो लेवल होता है वो शरीर में अधिक हमेशा होना चाहिए। अगर इसकी हम नॉर्मल की बात करें तो इसका जो नॉर्मल होना चाहिए वो 60 mg पर डेसिलीटर से अधिक होना चाहिए, और जो बॉर्डर लाइन है वो 41 से 59 mg पर डेसिलीटर है। और बट अगर इसका जो लेवल 40 से कम हो जाता है तो खतरनाक होता है। जैसा मैंने बताया इसका जो लेवल है ना चाहिए वो हमेशा अधिक होना चाहिए। VLDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसका जो लेवल हमेशा शरीर में कम होना चाहिए। इसकी जो नॉर्मल मात्रा होती है वो 100 से 129 mg पर डेसिलीटर, और जो बॉर्डर लाइन होती है वो 130 से 159 mg पर डेसिलीटर, और जो इसका जो लेवल खतरनाक लेवल माना जाता है वो 160 mg पर डेसिलीटर से अधिक होता है तो वो खतरनाक माना जाता है। इसका भी लेवल शरीर में हमेशा कम होना चाहिए। अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड्स की, तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं एक तरीके की चर्बी होती है, और इसका जो लेवल नॉर्मल जो होना चाहिए वो 150 mg पर डेसिलीटर या उससे कम होना चाहिए, और जो बॉर्डर लाइन है इसका वो 150 से 199 mg पर डेसिलीटर है। और अगर इसका जो लेवल लगभग 400 या 200 से अधिक और 499 से कम है तो ये खतरनाक माना जाता है। इसका भी जो लेवल है हमेशा कम होना चाहिए। अगर हम बात करें टोटल कोलेस्ट्रॉल की, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल इसकी जो नॉर्मल रेंज जो होती है वो 199 mg पर डेसिलीटर होती है, और इसका जो खतरनाक जो से पहले की जो स्टेज होती है बॉर्डर लाइन वो होती है 200 से 239 mg पर डेसिलीटर, और जो इसका जो खराब लेवल होता है खतरनाक लेवल जो होता है वो 240 से अधिक है तो वो खतरनाक में या डेंजरस कंडीशंस में माना जाता है। अगर हम बात करें टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल रेशो की, तो इसका जो लेवल होता है जो सामान्यतः रेशो जो होना चाहिए, अगर आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल वो 200 है तो एचडीएल कम से कम 50 होना चाहिए, इसलिए इसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 421। अगर 421 से अधिक है तो ये खतरनाक होगा। अब हम बात करें कि अगर आपके अंदर ज्यादा एलडीएल होगा तो आपको क्या लक्षण होंगे। एलडीएल जैसा अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वीएलडीएल वगैरह अगर होंगे तो आपके क्या लक्षण होंगे, तो आपको क्या होगा, बाइयों छाती में दर्द होगा, सर चकराएगा, चक्कर आएंगे, ज्यादातर सर में दर्द बना रहेगा, चलने और दौड़ने में कठिनाई होगी, शरीर आपका लाल पड़ सकता है, आपको कम दिखाई दे सकता है, और साथ साथ में अगर इसका लेवल और ज्यादा हो जाएगा तो पेशाब में खून आने लगेगा। अगर इसके कारण की बात करें तो इसका जो कारण होता है अनहेल्दी डाइट होता है, साथ साथ में एक्सरसाइज ना करना या शरीर का वजन बढ़ा हुआ होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव करना या अत्यधिक मात्रा में शराब या धूम्रपान का सेवन करना, ये इसके कारण होते हैं। अगर बात करें कि कैसे एलडीएल के कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको कम से कम डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, फल फाइबर डाइट जो रेशेदार खाना होता है वो खाना है, नमक का कम से कम सेवन करना है, पानी अधिक मात्रा में लेना है और अपने वजन को मेंटेन करके रखना है।
साथ साथ में धूम्रपान और शराब का सीमित मात्रा में सेवन करना है और ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव नहीं करना है। और आपको किन चीज़ों से अवॉइड करना है, जैसे मैंने पहले बताया, एक बार और बताना चाहता हूँ, आपको तली भोजन नहीं खाने, ज़्यादा नमक नहीं खाना है, मांस मछली वगैरह का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, शराब धूम्रपान सीमित मात्रा में करना है और जो मैदा होता है उसका भी आपको कम सेवन करना है। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।